एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आज है, ठीक है, 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका कोड है 100312, यानी 312 कोड नंबर, सिविल ब्रांच। ठीक है, वैसे कोई भी सेमेस्टर वाले आप पढ़ सकते हैं, सभी का जो सिलेबस होता है सेम होता है, बस जो क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग पेपर में रहता है बस, बाकी सिलेबस हम देखें ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके पीछे जो भी क्वेश्चन आप करवाया गया, आई होप देख लिए होंगे। एमसीक्यू सभी का अपलोड है, 19, 20 और 21 का। 20 का दो पेपर है, एक स्पेशल पेपर होगा, एक और पेपर है, तो दोनों का हम एक का तो वीडियो बना हुआ, एक का और बना देंगे वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। द फॉलोइंग मार्क्स हैव बीन ऑब्टेन्ड बाई ए क्लास स्टूडेंट इन स्टैटिक्स आउट ऑफ 100। यहाँ पे आपको पेपर एक्स दिया हुआ, बाई दिया हुआ, इसका क्या बोला है, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये आपको बेसिक स्टैटिक्स से क्वेश्चन है, वहां पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सिखाए थे, और उसी के आगे एक और क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, शायद 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है 7। ठीक है, तो ये 14 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है। तो इसका इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का है, और एक क्वेश्चन क्या है रिग्रेशन का है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, एक सेकेंड वेट प्लीज। 7 एक ही क्वेश्चन है, 14 नंबर का है। ठीक है, यही 7 है, 7 में ए बी करके नहीं है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक स्टैटिक्स का। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकेंड पॉइंट सुनिएगा, रिग्रेशन बाई ऑन एक्स। कभी कभी आपको एक्स ऑन बाई पूछ दिया जाएगा, तो दोनों को हम अभी समझा देंगे आपको इसी वीडियो में, ताकि आपको एक्स ऑन बाई भी पूछे तो आप निकाल लेंगे, और एकदम सेम चीज होता है। तो स्टार्ट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, यानी हमको रास्ता क्या है, कहाँ से हमको जाना है। तो समेशन ऑफ एक्स एक्स बाई बटा एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बटा एन इंटू समेशन ऑफ वाई बटा एन, टोटल का डिवाइड करेंगे टोटल अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इंटू है, अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बटा एन माइनस समेशन ऑफ वाई बटा एन का होल स्क्वायर। टोटल नंबर कितना है यहाँ पे, 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर कितना है, 10, यानी 9 इजिकल एन इजिकल टू कितना है 10। इसके आगे की बात करें हम, तो हम लोग को जरूरत पड़ने वाला था क्या क्या, एक्स स्क्वायर जरूरत पड़ने वाला था, वाई स्क्वायर जरूरत पड़ने वाला था, एक्स वाई जरूरत पड़ने वाला था। तो आपका क्वेश्चन में एक्स वाई दिया रहता है, तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 80 45 55 56 58 60 65 68 70 75, बाई का वैल्यू दिया हुआ 82 56 50 48 60 62 64 65 70 74। अभी यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाले, तो एक्स है, इसीलिए हम कॉपी पे इसको बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पर बनाते तो आपको वैल्यू निकालते निकालते एक घंटा लग जाता। तो 80 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है हमको दिखाना है, और वहाँ पे कैलकुलेट करना होता, तो इसलिए पहले इसको कॉपी पर कर दिए। 80 का होल स्क्वायर कितना होगा 6400। ठीक है, फिर उसी तरह से 45 का स्क्वायर 20 25, 55 का स्क्वायर 30 25, 56 का स्क्वायर 31 36, 58 का स्क्वायर 33 64, 60 का 3600, 65 का 42 25, 68 का 46 24, 70 का 49 100, और 75 का 56 25। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर की बात करें हम, तो 82 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 24, 56 का 31 36, 50 का हो जाएगा 25 सॉरी 2500, और 48 का कितना हो जाएगा 23 4, 60 का हो जाएगा 3600, और 62 का होगा 3844, 64 का उसी तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एक्स वाई की बात करते हैं, एक्स वाई की बात करते हैं, मतलब एक्स और वाई को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स वाई, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सेकेंड 80 82, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, उसी तरह से 45 56 को मल्टीप्लाई कीजिए, 55 50 को मल्टीप्लाई कीजिए, 56 48 को मल्टीप्लाई कीजिए, उसी तरह से मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। और नीचे ये आपका समेशन दिया हुआ, समेशन मीन्स क्या होता है जोड़, समेशन मीन्स क्या होता है जोड़, जोड़ना मीन्स जितना ये एक्स का वैल्यू है, जो भी यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है सभी को जोड़ते जाइए, 80 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 65 प्लस
अड़सठ प्लस 70 प्लस 75 आ जाएगा, 3 632 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 632। उसी तरह से हम इधर जोड़ते जाएंगे 82 प्लस 56 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 64 प्लस 65 70 और 74, तो आ जाएगा 631। उसी तरह से हम एक्स आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को जोड़ देंगे, टोटल को वाई स्क्वायर को जोड़ देंगे, एक्स वाई को जोड़ देंगे, तो ये टोटल वैल्यू आपका क्या हो गया, निकल गया। अब हमको फॉर्मूला पुट करना था, फॉर्मूला क्या बताया था, आर इजकल टू यहाँ पे क्या था, समेशन ऑफ, एक सेकेंड, समेशन ऑफ क्या था, एक्स वाई बटा क्या था, समेशन ऑफ एन, ठीक है, सॉरी समेशन ऑफ एन सिर्फ एन था, और इंटू समेशन ऑफ एक्स बटा क्या था एन, इंटू समेशन ऑफ वाई बटा एन, और नीचे क्या था, समेशन ऑफ किसका, एक्स का होल, एक्स स्क्वायर बटा एन था, माइनस समेशन ऑफ क्या था, समेशन ऑफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से दूसरे रूट में देखते थे, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बटा एन था, और माइनस क्या था, समेशन ऑफ वाई बटा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू अभी पीछे फॉर्मूला देखे थे, और इस तरह से आप लोग भी एक बार क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे आंख बंद करके या बिना कॉपी ढक करके, उसको चेक करेंगे कि आपको फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं, क्योंकि मेन जो है फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कोई प्रोसेस आप आगे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, समेशन ऑफ एफ एक्स वाई का वैल्यू कितना रखे हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना आया है, 40 74 8, ठीक है, बाई 10। इसका वैल्यू कितना है, 632 बाई 10, इसका कितना है, 631 बटा 10, ठीक है। नीचे आते हैं तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 40 924, ठीक है, बटा कितना हो गया 10। उसी तरह से किसका वैल्यू, समेशन ऑफ एक्स बटा, देखिए यहाँ पे हमको लिख के करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आता, तो चलिए हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बगल में हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बेसिस पे हम पुट करके सिखाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे आप गड़बड़ा जाइएगा इसको। समेशन ऑफ एक्स वाई बटा क्या था, एन था, माइनस समेशन ऑफ एक्स बटा क्या था, एन इंटू समेशन ऑफ वाई बटा एन, और नीचे में क्या था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा क्या, एन, और क्या था, माइनस समेशन ऑफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बटा एन, माइनस क्या था, समेशन ऑफ वाई बटा क्या, एन का होल स्क्वायर। सबसे पहले एक्स वाई की बात करें तो लास्ट में एक्स वाई था तो उसका बटा 10 हो गया, और 632 बटा 10 और इंटू समेशन ऑफ वाई बटा एन, मतलब 631 बटा 10। उसकी बात बात करें तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो समेशन आया होगा ना, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर को जोड़ने पे, उसी की बात कर रहा है एक्स स्क्वायर अब बटा एन। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 40 924, ठीक है, यहाँ पे है तो 4040 कितना है, 40924 बटा 10 हो गया, माइनस ये बोल रहा है ना कि अंदर में समेशन ऑफ एक्स होना चाहिए बटा एन, और ऊपर से स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स सिर्फ 632 ना होगा, यही ना सिर्फ समेशन ऑफ एक्स है, यही ना सिर्फ एक्स है जिसको हम जोड़े तो समेशन ऑफ एक्स होगा, तो उसको जोड़ दिए बटा 10 का होल स्क्वायर। उसी तरह से समेशन ऑफ वाई, वाई स्क्वायर का समेशन, तो वाई स्क्वायर का समेशन कितना है, 40805 है, तो 40805 बटा 10, माइनस फिर कितना था, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई का वैल्यू 631 बटा 10 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे आप, कैलकुलेट करेंगे, कैलसी पे पुट करेंगे, कैलसी पे पुट करने के बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू आ जाएगा, आर इजकल टू कितना, 0.8819 कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप निकाल, रिग्रेशन ऑफ पाई ऑन एक्स देखते हैं, ठीक है, जो आप क्वेश्चन बनाए उसके बाद क्या है हम लोग का, एक सेकेंड, यहाँ तक हम लोग कोरिलेशन निकाल लिए थे, है ना, उसके बाद हम लोग को क्या चलना था, रिग्रेशन ऑन बाई ऑन एक्स निकालना है। तो उसके लिए आपको फार्मूला पहले समझा देते हैं हम कि क्या फार्मूला होता है रिग्रेशन निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है, कोरिलेशन निकालना होता है। कोरिलेशन निकालने के बाद उसमें काम क्या होता है ध्यान से समझ लेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको मीन निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, मतलब एक्स में मीन निकालना है तो टोटल समेशन ऑफ एक्स कर दीजिए, एन से डिवाइड कर दीजिए। अगर बाई में मीन निकालना है तो समेशन ऑफ बाई कर दीजिए और एन से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ता है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो अभी हम जस्ट निकाल चुके हैं, ठीक है, तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा।
चलिए उसके बाद हम लोग को क्या निकालना होता है, सिग्मा एक्स निकालना होता है। तो सिग्मा एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एन और समेशन ऑफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सिग्मा एक्स है। सिग्मा बाई निकालना पड़ता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ बाई स्क्वायर बटा एन माइनस समेशन ऑफ बाई बटा एन का होल स्क्वायर, इतना चीज निकालना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं, दो तरह का होता है, एक्स ऑन बाई होता है, बाई ऑन एक्स होता है। तो एक्स ऑन बाई जब होगा तो एक्स माइनस एक्स बार होता है इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स बटा सिग्मा बाई इंटू क्या होता है बाई माइनस बाई बार होता है, बाई माइनस बाई बार। तो ये किसके पर हो गया, एक्स ऑन बाई रहेगा तब, लेकिन बाई ऑन एक्स रहेगा तब, तो पहले बाई लिखा जाएगा, बाई बार इजकल टू आर सिग्मा ऊपर बाई बटा सिग्मा एक्स, और क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। दोनों में कॉमन चीज समझिएगा क्या है, मतलब दोनों में क्या कंफ्यूज करिएगा बाद में, यही है कि देखिए ये सिग्मा एक्स वाला है ना तो एक्स ऊपर रहेगा, अब बाई है तो क्या रहेगा, ऊपर बाई रहेगा, बस इतना याद रख लिए तो इसमें है ही क्या, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग के पहले ही आपको लिख दिए ताकि इतना गुना भागा बाद में ना करना पड़े। तो एक्स को एक्स हो गया, बाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, ये बाई हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स को टोटल समेशन जोड़िए जिसको हम लोग समेशन ऑफ एक्स बोलते हैं, और बाई को टोटल जोड़े तो 631 आया था जिसको हम लोग समेशन ऑफ बाई बोलते हैं। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, तो समेशन ऑफ एक्स 632 बटा 10 63.2 हो गया, बाई बार की वैल्यू का है तो 631 बटा 10 हो जाएगा यानी 63.1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स बार, ये हो गया आपका क्या बाई बार। तो एक्स बार बाई बार निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं करते हैं कि कैपिटल एक्स का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या होता है बाबू, तो कैपिटल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार, क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार, अब बाई क्या होता है बाई माइनस बाई बार, बाई माइनस बाई बार। तो एक्स बार का वैल्यू और बाई बार का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ 80 दिया हुआ यही एक्स है, तो एक्स कैपिटल एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताए, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स का वैल्यू 80 और उसमें घटाइए एक्स बार, एक्स बार कितना आया था 63.2, तो 80 में से 63.2 घटाइएगा तो 16.8 आएगा। उसी तरह से 45 में से 63.2 घटाइए तो -18.2, फिर 55 में से 63.2 घटाइए तो उसी तरह से घटाते जाएंगे कैपिटल एक्स का वैल्यू आ जाएगा। कैपिटल बाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या किस में घटाएंगे, बाई में से बाई बार घटाएंगे, तो बाई बार का वैल्यू कितना नीचे लाए हैं तो 63.1 लाए, कितना लाए 63.1। तो इसी में बाई में से 63.1 घटाते जाइए तो 82 में से 63.1 जाएगा 18.9, 56 में से जाएगा तो -7.1, 50 में से 63.1 जाएगा तो -13.1। इस तरह से बाई का भी वैल्यू कैपिटल का निकाल लेंगे। अब कैपिटल एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, कैपिटल बाई का स्क्वायर कर दीजिए। कैपिटल एक्स का स्क्वायर कौन हो जाएगा, जो कैपिटल एक्स का वैल्यू आप निकाल कर लाए होंगे, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया है 16.8, तो उसका स्क्वायर कीजिए, -18.2 उसका स्क्वायर कीजिए, -8.2 उसका स्क्वायर कीजिए। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। बाई स्क्वायर का वैल्यू के लिए 18.9 को गुना कीजिए, मतलब स्क्वायर कीजिए, -7.1 का स्क्वायर कीजिए, 13.1 का स्क्वायर कीजिए, सभी का स्क्वायर कीजिए, ये बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, उसके बाद एक्स बाई को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, एक्स बाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स इंटू बाई। एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.8 गुने 18.9, इसको गुना कीजिए एक्स वाई का वैल्यू, 18.2 को गुना कीजिए 7.1 से तो 129.22 आ जाएगा। इस तरह से एक्स वाई को भी क्या कर दिए, गुना कर दिए। एक्स वाई जरूरत कहाँ पड़ेगा, कोरिलेशन निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए कोरिलेशन कितना आया था, 0.8660 आया था, और इसमें कितना आया था 0.8819 आया था, ठीक है, तो लगभग समथिंग बराबर है, थोड़ा सा गुना भागा में मतलब पॉइंट में इधर उधर हो गया। तो ये पहले या तो आपको आर पीछे वाला दिया है वहां से पुट करिए या खुद से भी निकाल लीजिए। तो आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब हमको दिया रहता है समेशन ऑफ एक्स बाई बटा समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर बटा समेशन ऑफ बाई स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स बाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स बाई का वैल्यू, तो समेशन ऑफ एक्स बाई का वैल्यू है 874.2, उसका वैल्यू रख दिए ऊपर 874.2। नीचे में कितना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 981 है, ठीक है 981.57 है, तो 981 है यहाँ पे 1051.3, तो सबका मतलब गुना भाग कीजिए आपका क्या जाएगा
कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, सिग्मा एक्स चाहिए, तो सिग्मा एक्स के लिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एन, ये कौन सा एक्स है, स्मॉल एक्स यहाँ पुट करना, ध्यान में रखना है यहाँ पे कौन वाला पुट करना है, स्मॉल एक्स वाला। तो स्मॉल एक्स वाला ऐसे आपको यहाँ पे जगह रहता तो यहीं पे निकाल देते, जगह रहता ना तो यहीं पे स्मॉल एक्स का भी स्क्वायर निकाल लीजिएगा, लेकिन पीछे निकाला हुआ था तो ये चलते हमने निकाल ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बगल में निकाल लीजिएगा, यहाँ पे बगल में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, कौन वाला स्मॉल वाला। तो हम पहले से अभी जस्ट तो आपको एक क्वेश्चन बताया ना, इसमें हम जस्ट अभी निकाल भी किए थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये हो गया वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो उसी को हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वहां देखिएगा 40 9 24 रहेगा बटा 10, फिर यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स 632 बटा 10 का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स है। ये वाला क्लियर हुआ ना बाबू कि यहाँ कौन सा एक्स पुट करना है, जो स्मॉल वाला एक्स था, वो जो कैपिटल वाला निकाले वो वाला नहीं, ठीक है। फिर समेशन ऑफ पाई का, स्मॉल वाला समेशन ऑफ पाई का स्क्वायर तो कितना था 40 85 था बटा 10, और ये हो गया समेशन ऑफ पाई कितना 631 बटा 10 का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ यहाँ पे सिग्मा ऑफ पाई निकल गया, ठीक है। अब सिग्मा ऑफ बाई सिग्मा ऑफ एक्स निकल गया, तो रिग्रेशन का फॉर्मूला लगाता है, लगाते हैं बाई ऑन एक्स का, बाई माइनस बाई बार इजिकल टू आर इंटू सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब क्या करना है, बाई का वैल्यू सिग्मा बार का वैल्यू पुट कर, सॉरी बाई बार का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा बाई का वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू पुट कीजिए। तो एक्स बार बाई बार सभी का वैल्यू आपका दिया हुआ था, सभी को पुट कीजिए, तो बाई माइनस 63.1 इजकल टू, इसको गुना करने के बाद आ गया 0.8637 इंटू एक्स माइनस 63.2। अब गुना कर देंगे ना माइनस में तो उधर प्लस में, यही बाई इजकल टू 0.8633x प्लस 8.513 आ गया, यही आपका आंसर हो गया रिग्रेशन बाई ऑन एक्स का। तो हम दो क्वेश्चन यहाँ पे देखें, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये दोनों मिला के 14 नंबर का, और आपका एग्जाम में पूछ दिया 14 नंबर का ये वाला तो मजा आ जाएगा, ठीक है, जितना आसान टॉपिक है। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, फिर वैसे आपका आईसी का भी एग्जाम है ना, तो उसका एमसीक्यूज करवा देंगे आपको, ठीक है।